नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं राजमंड्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक ऐसे पॉइंट आया हूं जहां से पापी कोंडलू जाने के लिए बोट स्टार्ट होती है। हम ये टूर पुनामी टूरिज्म के थ्रू कर रहे हैं। बड़े सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, मैंने उसमें से पुनामी के बारे में पढ़ा और हमने यहाँ से पापी कोंडलू की बुकिंग करवा ली है। इसके लिए 1300 रुपया पर पर्सन की हमने टिकट ली है। अब ये देखो, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं जिनकी बोट्स यहाँ खड़ी हैं। तो हमारे साथ के जो लोग हैं, जो बस में हमारे साथ आए हैं राजमंडी से यहाँ तक, वो सब तो चले गए, मैं अकेला बच गया हूँ। अब जाके मैं फिगर आउट करता हूँ हमारी बोट कहाँ से जाने वाली है। तो आगे जैसे जैसे मैं जर्नी देखूँगा आपको बताऊँगा। और हमने राजमंडी में ना एक जगह जिसको पुष्कर घाट बोलते हैं, वहाँ से एक बस ली। ये बस पीछे खड़ी है ना, हम इसी मिनी बस में पुष्कर घाट से आए हैं यहाँ तक। यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम लगा है। रास्ता थोड़ा ख़राब ख़राब सा था, तो बस धीरे धीरे आई है। आइए उधर को चलते हैं। ये चटनी, ये क्या उपमा? ओ बड़ा इडली उपमा। इस जर्नी में ना क्या बात हो रही है, कौन से गाने चल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, जिसकी वजह से ये जर्नी किसी के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, चाहे आप तेलुगु समझो चाहे ना समझो, और वो है एंगेजमेंट लेवल। 1.5-2 घंटे जो शुरू के यहाँ तक पहुँचने के थे ना, सब बिजी हो गए क्योंकि सामने डांस परफॉर्मेंसेज देखी और ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन थी पूरे माहौल के अंदर, बहुत बढ़िया। पापी कोंडलू आने वाला है, उससे पहले ना इन्होंने लंच सर्व कर दिया है। दाल, सोयाबीन, सूजी का हलवा, गोभी फ्राई, पापड़ और राइस, और साथ में यहाँ पर बिरयानी। सही है, सिंपल प्रिपरेशन है, नाइस। अब देखो पता भी नहीं चला हम लोग पापली कोंडू पहुंच गए हैं। 5-7 मिनट लंच फिनिश करके बाहर चलते हैं। हमें ये जर्नी करते हुए लगभग 1.25 घंटे का टाइम हो चुका है। पिछले 15 मिनट में हमने लंच भी कर लिया। अब जिस जगह से हम निकल रहे हैं ना, सारी जो आपको सामने हिल्स दिखाई दे रही हैं, इन सारी हिल्स को बोलते हैं पापी कोंडलू। एक्चुअल में जो ये जर्नी है ना, इन्हीं हिल्स को देखने के लिए। अभी मैं तो नीचे की तरफ खड़ा हूँ और काफ़ी लोग ऊपर की तरफ खड़े हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा बेटर व्यू आ रहा है डेक पे खड़े होके। यहाँ भी सही है क्योंकि हम सामने खड़े हैं और गोदावरी पे ये रिवर क्रूज़ हो रहा है। एक्सपीरियंस ओवरऑल बड़ा मज़ेदार है। 15-20 मिनट में हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ उतरकर हम टेंपल विजिट करेंगे। वहाँ पर हम 20-25 मिनट रुकेंगे और 20-25 मिनट वहाँ रुकने के बाद फिर हम इसी बोट पे वापस आकर रिटर्न जाएंगे। तो 5 बजे तक हम रिटर्न वहाँ पहुँच जाएंगे। वो सामने जो स्टे एकोमोडेशन है ना, ये 2-डे टूर के हिसाब से है। हमने तो 1300 रुपीज़ की टिकट ली है सुबह जाके शाम को वापस आने को। लेकिन अगर कोई 2 दिन के लिए जर्नी करना चाहता है तो राजमंड्री से भद्रासन जा सकते हैं। Day 1 पे वहाँ जाओगे और वापस Day 1 में ही रात को यहाँ पे रुकोगे, सामने कुछ दिख रहा है ना बना हुआ। उसके बाद Day 2 वापस जाएंगे राजमंड्री, ऐसा करके ये 2-डे टूर है जिसका अप्रॉक्सीमेटली 3800-4000 के करीब चार्ज रहता है। बहुत मस्त लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है और मज़ा तो आ रहा है और वेदर भी बढ़िया है। यहाँ पर रिचुअल ये है कि टेंपल के अंदर जाने से पहले इस प्रकार से देखो सामने लोग मुंह हाथ धो रहे हैं।
उसके बाद आप टेम्पल में जाइए, दर्शन करिए, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे, शिवलिंग है। कितना प्राचीन है ये, उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी मानता है इस स्थान की, इतना तो मेरे को मालूम यहाँ पर आके चल ही चुका है। और हमारी बोट में तो मुश्किल से 70 या 60 लोग होंगे, लेकिन इस समय नाना करते भी 150 से 200 लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी बोट्स आ रही हैं ना, तो बोट्स आती हैं, लोग टेम्पल में दर्शन करके नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल 20 मिनट का टाइम ही देते हैं। गुड, अच्छा हो गया यहाँ पर आए और हमने टेम्पल विजिट कर लिया, और बाकी जर्नी तो मज़ेदार है ही है। मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल एंगेजमेंट इन्होंने हाई रखी हुई है, जिससे कि आप किसी भी तरह से बोर नहीं होगे। बोट राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बोट से हम उतर के इधर आ गए हैं। कुछ लोग जो डायरेक्ट आते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ओवरऑल देखो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। मैं मन में एक चीज़ सोच रहा था, अब जैसे मेरे पास अभी 3 दिन है हाथ में टोटल, अगर मैं 4 दिन है कल से लेके, क्योंकि मेरे को 21 को वापस जाना है, तो मैं मन में सोच रहा था कि अगर मैं आज यहाँ बोट राइड स्किप कर देता तो वो मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता, तो मैं अमरावती चला जाता। तो ऐसा यहाँ जर्नी कर लेने के बाद मुझको लगा कि अगर टाइम आदमी के पास कम है तो फिर आप इस एक्टिविटी को स्किप कर सकते हो। शायद इसका रीज़न ये है कि हम राजमंड्री से यहाँ आए, जिसमें अपने आप 1.5 घंटे लग गए, फिर वापस जाएंगे 1.5 घंटे लग गए, तो ये एक्टिविटी अपने आप में फुल डे अफेयर है। जर्नी मज़ेदार है, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है ना आपके पास टाइम हाथ में कितना है। चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल ठीक रहा। अब हम यहाँ से अपने होटल चलते हैं और उसके बाद डिनर कर लेंगे और हमारा आज का दिन एंड हो जाएगा। बस कहाँ है हमारी, वहाँ पे। सवा 7 बजे मैं अपने होटल तक पहुँच चुका हूँ। मेरे को ना अभी 1.5 से 2 घंटे का कुछ अर्जेंट काम है, जिसके लिए मेरे को थोड़ा लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा, साथ में सब्सक्राइबर मीटअप भी है अभी 1.5 घंटा के बाद। तो मैं डबल माइंड हो रहा हूँ कि डिनर करने बाहर जाऊँ या होटल में ही कर लूँ, तो थोड़ी देर बाद डिसाइड करता हूँ। तो एक काम करते हैं, आज का ये एपिसोड हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। कल मैं जो लोकल राजमंड्री घूमूंगा, आज की जर्नी और कल की जर्नी को हम क्लब करके एक एपिसोड बना देंगे, मुझे लगता है ये बेटर आइडिया है, राइट? तो आज का ये हमारा दिन यहीं पर एंड हो रहा है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग, आज दिन की शुरुआत हम पुष्कर घाट विजिट करके कर रहे हैं। आप कभी राजमंड्री आएंगे ना, तो ये जगह तो आप मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आते जाते आप इस क्रॉसिंग तक पहुंच ही जाओगे। सामने ऊपर देखो ट्रेन जा रही है ना, तो ये रेल ब्रिज है। और अच्छा व्यू क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर सामने आर्क देखने को मिल रही है, तो बगल से ट्रेन जा रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग टू आई। ये सामने फाउंटेन अभी चल नहीं रहा, उधर वो शिवलिंग, वहाँ पर एक टेम्पल है और उसके बगल में पुष्कर घाट है। थोड़ा सा चलकर पुष्कर घाट भी देखते हैं। वैसे हम बोलने में राजमंड्री बोल देते हैं, लेकिन इस जगह का जो एक्चुअल नेम है वो है राजमहेंद्रवरम, सामने लिखा भी हुआ है राजमहेंद्रवरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। चलो आओ सामने पुष्कर घाट की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है नदी किनारे यहाँ पर ऐसे खड़े होना। गोदावरी नदी के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था, काफ़ी लंबी रिवर है, कहाँ पर महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से चलती चलती यहाँ पर ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री बे ऑफ बंगाल में आकर ड्रेन करती है। बड़ा अच्छा लग रहा है। आई रियली विश कि मैं वहाँ जाकर सेंटर से ये ब्रिज को देखूँ। वहाँ जाने के लिए ना अपने को बोट में जाना होगा, तो बोटमैन से मैंने पूछा है, बोल रहे हैं कि 10 बजे बोटिंग स्टार्ट होती है, तो हम शाम के समय आ सकते हैं 4-4:30 बजे या 5 बजे, तब बोटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, फोटोग्राफ्स भी बहुत बढ़िया आएंगे यहाँ से। और सामने एक ब्रिज है, वो देखो ऊपर की तरफ ना गाड़ी छोटी छोटी जाती हुई दिखाई दे रही है, ये लगभग 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ऊपर की तरफ तो रोड ट्रैफिक चलता है और उस ब्रिज में नीचे की तरफ ट्रेन चलती है। लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं और घाट किनारे ही सामने गोदावरी माता का मंदिर है, सामने आप उनकी मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं।
सही है, थोड़ा 5-10 मिनट टहलते हैं यहाँ पर, उसके बाद नाश्ता करने चलेंगे और शाम के समय वापस लौट कर हम यहाँ पर आके बोटिंग करेंगे। नाश्ता करने के लिए हम जवाहरलाल नेहरू रोड पे आरके टिफिन्स पे आए हैं। अंदर चल के मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ क्या क्या अवेलेबल है और फिर डिसाइड करता हूँ नाश्ते में हमको क्या खाना है। 40 रुपये का मैंने टोकन लिया है, इसमें हम पेसरट्टू लेंगे, पेसरट्टू लेंगे मूंग दाल का बोंडा मिक्स करके। अगर खाली पेसरट्टू लेते हो तो हमको 3 पेसरट्टू उपमा के साथ मिलते। एक चॉइस ये भी है कि आप 90 रुपीज में कुछ भी ले सकते हो, मतलब अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट फॉर 90 रुपीज। बम्बई चटनी, ये तो मैं पिछले 6-7 दिन में 3-4 बार खा चुका हूँ। बेसन से इस चटनी को तैयार करते हैं, इसको यहाँ पर बम्बई चटनी कह के बोलते हैं। बम्बई क्यों बोलते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, शायद इसकी रेसिपी हो सकता है बम्बई से आई हो, बॉम्बे मतलब मुंबई से आई हो। जिंजर चटनी को ना यहाँ पे आलम बोलते हैं। पहले मुझे कुछ ऐसा समझ में आया था कि बोंडा देंगे मूंग दाल का, लेकिन बाद में पता चला ये वैसा नहीं है, ये बोंडा मैदा का ही है। मैसूर बोंडा बोलते हैं ना ये, जब मैं कर्नाटका गया था वहाँ मैंने काफ़ी जगह खाया था, ऐसा रहता है अंदर से। बड़ा स्वाद है, इस रीजन में पेसरट्टू आपको जगह जगह ट्राई करना चाहिए। मैंने पहली बार जो पेसरट्टू का जेन्युइन टेस्ट एंजॉय किया था वो था अन्नावर में, वहाँ पर वो लोग थोड़ा मोटा बना रहे थे, अंदर से कच्चा कच्चा सा था, और यहाँ पेसरट्टू पतला है। और कितना ज़्यादा पॉपुलर है उसका अंदाज़ा ऐसा लगा लो कि इनके पास 2 बड़े बड़े तवे हैं, दोनों में कंटिन्यूसली सिर्फ पेसरट्टू बन रहा है। मूंग दाल का चिल्ला कह सकते हैं, थोड़ा फर्क तो होता ही है लेकिन बेसिकली मूंग दाल से बनता है। अच्छा लगा, दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हो गई। कोकोनट जूस कॉर्नर, जूस बनाने के लिए क्या करते हैं, कोकोनट में से पानी निकाला, मलाई सेपरेटली निकाली और ना अब इसको मिक्सर में चलाएंगे और ऐड करेंगे ऊपर से ग्लूकोस। देखो अब इसमें ना कोकोनट वाटर का टेस्ट नहीं आ रहा, सारा का सारा टेस्ट मलाई का आ रहा है और ग्लूकोस महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा खासा ग्लूकोस बनाते समय डाला था मैंने, देखा था, गुड समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पर टेंडर कोकोनट जूस बहुत फेमस है, किसी को बोलोगे ना तो सब लोग बताएंगे यहाँ पर मिलता है। मॉर्निंग के समय मैं आपको बता रहा था ना कि 1/2 किलोमीटर दूर 2 ब्रिज एक साथ हैं, ऊपर रोड का ट्रैफिक चलता है और नीचे से ट्रेन जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखने के लिए आ गए हैं, ये देखो गोदावरी नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ये जगह और जो पहले हमने ब्रिज देखा था दोनों बड़े अच्छे फोटोग्राफी पॉइंट है। अभी तो सूरज हमारे सिर के ऊपर आ गया है, लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग या शाम का टाइम होगा ना इतनी मस्त फोटोग्राफ आएगी, देख के खुद को अच्छा लगेगा ये फोटो कहाँ खींची है, इतना अच्छा लग रहा है। देखो ट्रैफिक चल रहा है ऊपर, टू गुड। यहाँ पर ना बोटिंग भी हो रही है, सही है। चलिए अब हम रोड के उस पार श्री कंदुकुरी वीरे सलंगम पंतलू गारू के घर जाते हैं। सामने जो पेट्रोल पंप है ना इसके बगल में एक गली है, वहाँ से 100 मीटर्स पे ही घर है। पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर ना बहुत सारे घरों के बाहर इस प्रकार से चौक से ना रंगोली जैसा बना देते हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं देखा मैंने। अब जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहा हूँ ये काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने पहले देखा, इसको यहाँ पे मुग्गू बोलते हैं। तो गुड लक
जो मैं समझा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा, कि घर का जो एल्डेस्ट मेंबर होता है जब वो घर से बाहर सुबह जाए अपने काम पे, तब तक ये चीज़ रेडी हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कस्टम है और ये डेली होता है। सर मैंने बहुत बार देखा आपने टीवी में। अच्छा, आ जाओ सर, खड़ी कर लो। आपका गुड नेम क्या है? नागभूषणम। ओके, इसको क्या बोलते हैं? मुगू। मुगु, संक्रांति मुगु, संक्रांति पोंगल का है, पोंगल है ना, संक्रांति। अच्छा, फेस्टिवल। हाँ, तो अभी आप 10 मिनट्स फ्री हो? हाँ, तो हमें वो उनके घर तक लेके चल सकते हैं? हाँ, तो सही, आपसे मुलाकात होगी एकदम। तो अभी कैसे जाएं? मैं ऐसे जाऊं? हाँ, मैं वॉक करके चलता हूँ, आप स्कूटर ले। नहीं, मेरा थोड़ा नी में वो हुआ ना, डॉक्टर ने मना किया है, टू व्हीलर पे नहीं बैठना। हम श्री कंदुकरी वीरे सलंगम पंतुलु जी के घर आ चुके हैं। पंतुलु बोलेंगे तो ब्राह्मण, ठीक है, तो उनका बर्थ प्लेस यही है, और जितना मैं जानता हूँ, फिर आप उसमें थोड़ा सा बताइएगा कुछ मिस होगा तो, विडो रीमैरिज पे इन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया, इंटरकास्ट मैरिज को एनकरेज किया। पहले क्या होता था, 13-14 ईयर्स की गर्ल की शादी कर देते थे बड़ी उम्र के लड़के के साथ, 28 ईयर 30 ईयर ओल्ड के साथ, तो उस चीज़ को एबॉलिश करने पे बहुत ज़्यादा काम किया। राजा राम मोहन रॉय जी ने भी यही काम किया था ना, राजा राम मोहन रॉय। सही है, गुड, अच्छा हो गया। हमने फ्रीडम फाइटर, आंध्र प्रदेश के बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं, इनका घर आके यहाँ पर विजिट किया। गुड, सही है सर, थैंक यू सो मच। अंदर लाइब्रेरी है ना, बुक्स, बुक्स लाइब्रेरी, बुक्स एंड मेंटेन लाइब्रेरी। बाबू जी थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, नमस्ते। यहाँ से जाने से पहले आपको मैं बहुत पुरानी प्रिंटिंग प्रेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस यूज्ड बाय श्री कंदुकुरी वीरे सलंगम पंतुलु गारू। गारू बोलते हैं सर जी, ऐसा रिस्पेक्ट के लिए। यहाँ उनकी लाइफ के बारे में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पढ़कर हम समझ सकते हैं। अच्छा रहा हम यहाँ पर आए और हमने आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर की लाइफ के बारे में यहाँ पर आके जाना। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और आपको रास्ते में बताते हैं अब आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। लंच करने के लिए हम सितारा होटल जा रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे कुमारी थिएटर है और सामने एक मेस दिखाई दे रही है, देखो कितनी भीड़ है वहाँ पे। क्या नाम लिखा है? मणिकांता मेस। मुझे लग रहा है पार्सल दे रहे हैं, अंदर खाने का सिस्टम नहीं है। अभी देखो 1 बजे का टाइम है और कितना क्राउड है ना यहाँ पे। चलो बगल के रेस्टोरेंट में चलते हैं, सितारा होटल। मैंने यहाँ पर मील्स लिया अपने लिए। मील्स में इन्होंने क्या क्या दिया? दाल, ये चटनी है, रसम, वेज बिरयानी, दही, पत्ता गोभी बॉयल, भिंडी, और ये सांबर लग रहा है, और ये मसाला कुछ तो बनाया है, ये मेरे को नहीं क्या है भैया। गोभी मसाला। अच्छा, गोभी मसाला है। यस, गोभी मसाला। ओके, तो इसमें जैसे और चाहिए हो तो एडिशनल मिल जाता है या ये? हाँ, देता। मिलता है? बहुत देता। जब तक राइस आ रहे हैं तब तक वेज बिरयानी का टेस्ट एंजॉय करें। बिरयानी जैसा स्वाद तो नहीं है जैसे पुलाव का टेस्ट होता है ना। थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, रसम का वैसे टेस्ट अच्छा था लेकिन ये कॉम्बिनेशन में यहाँ उतना जम नहीं रहा। वाह, भिंडी का क्या स्वाद है, मजा आ गया। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ना टिफिन मील्स में बहुत अच्छी चीज़ क्या रहती है कि साथ साथ आपको सर्व करते रहते हैं। अच्छा, हाँ,
चलो दे दो मैं खा लूंगा। थैंक यू थैंक यू। आंध्र प्रदेश में वेज मील्स में जो चीज का स्वाद मेरे को सबसे बढ़िया लगता है ना, वो है यहाँ की दाल। दाल यहाँ की डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती आपको। उसके बाद गन पाउडर, राइस और घी, बाद मतलब सेम लेवल। भिंडी ने, दाल ने और चटनी ने समा बांध दिया, इससे छोटा वर्ड नहीं है। बहुत अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो यहां पर जो टेस्ट है ना वो सिंप्लिसिटी का है। प्रिपरेशन बहुत लाजवाब है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ये ना बेसिकली क्या है, कुल्हड़ की दाल होती है। हाँ इसको बनाने में इनका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। अभी कैसे करते हैं मेरे को नहीं मालूम, विजयवाड़ा जाके मैं डिटेल में समझूंगा। फिलहाल आप यहाँ टेक्सचर देख लो, ये पहाड़ों में बहुत चलती है, ये ऐसा दिखता है। और जितना मुझे मालूम है ये 10 से 12 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, मतलब इनके मेथड से बनाने में। उल्वा चारू, अच्छा उल्वा चारू क्रीम, ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है राइस के साथ। हमें किसी ने बताया कि आप विजयवाड़ा जाओगे तो वहाँ पे उल्वा चारू पता लगेगा आपको कितना फेमस है। यहाँ पर ये खाने के बाद ना मेरे को लग ही नहीं रहा ये दाल मैंने पहले कभी खाई है, एकदम नया टेस्ट है। एक ऑब्वियस रीज़न, ऊपर क्रीम आ गई, और दूसरा इनका बनाने के प्रोसेस में ना कितने घंटे लगाते हैं उससे टेस्ट बदल जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे वहाँ पहुँच कर, विजयवाड़ा। दही की हल्की हल्की खटास और मस्त मस्त तड़का लगा हुआ इसमें। आ गए, मैं सच बताऊं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को यहाँ पर टेस्ट इतना अच्छा लगेगा। अब एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था मुझे नहीं मालूम, रीज़न क्या है। क्या होता है ना, सब लोग मेरे को बोला कि काकीनाड़ा में आपको मज़ा आएगा, तो किसी ने इतना नहीं बोला था कि सितारा होटल में आपको टेस्ट इतना अच्छा लगेगा। मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, और शायद यही रीज़न है कि इतनी भीड़ लग रही है, बाहर वेटिंग चल रही है। तो बेटर रहेगा अब मैं धीरे धीरे फूड फिनिश करूँ, थोड़ा राइस और मंगाऊंगा, और उसके बाद 15-20 मिनट लगा के फूड फिनिश करता हूँ। वेरी वेरी टेस्टी मील, अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे आधे घंटे के बाद, अभी लगभग 1:45 बजे का टाइम हो गया, तो आपको मैं आधे घंटे में मिलता हूँ, फिर आगे की घूमने की प्लानिंग करते हैं। अभी हमने सर आर्थर कॉटन म्यूजियम विजिट करने के लिए आए हैं, अंदर चल के मैं टिकट निकाल लेता हूँ, फिर म्यूजियम विजिट करेंगे। म्यूजियम के हम अंदर आ चुके हैं। गोपी जी, हाँ वन सेकेंड। तो गोपी जी को हिंदी बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम समझेंगे और आपको समझाएंगे। मैं आपको सर आर्थर कॉटन के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 1850 में उन्होंने यहाँ पे बैराज बनाया था। कुछ देर बाद हम बैराज चल के देखेंगे, यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैराज है। उन्होंने यहाँ पर 1850 में एक पानी को रोक लिया गोदावरी का, क्योंकि बारिश जब होती थी तो पानी क्रॉस करके आगे बे ऑफ बंगाल में चला जाता था। तो इनका गोदावरी का जो पूरा एरिया है, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी का, यहाँ पर सर आर्थर कॉटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसकी बदौलत, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत, आज गोदावरी के जो किसान हैं वो साल में 3 बार फसल निकालते हैं, ये मैंने मोटा मोटा बताया। तो अब अंदर चलते हैं,
और आपको एक स्केच मैच मैप के थ्रू रिवर सिस्टम बताते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर स्केच मैप ऑफ गोदावरी डेल्टा सिस्टम, तीन तरफ से डेल्टा बनता है, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न। डेल्टा मतलब सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। अभी जो मैं बैराज की बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे है, हम भी यहीं यहीं कहीं नीचे खड़े हुए हैं। ये गोदावरी बैराज लिखा है ना, हम इधर ही हैं। तो यहाँ से दो ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, एक का नाम है गौतमी, दूसरा का नाम है वशिष्ठा। इन्होंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। तीन एपिसोड पहले आपने देखा होगा, हम काकीनाड़ा गए थे और काकीनाड़ा में हमने ना सी तक गए थे, कोरंगी लिखा ना यहाँ पे, कोरंगी, हम लोग इधर ही गए थे। तो यहाँ से होते हुए हमने स्पीड बोट पे गए और हम बे ऑफ बंगाल पहुँच गए, वहाँ पे राउंड करके हम वापस आए थे। तो ये गौतमी रिवर है, बेसिकली गौतमी गोदावरी इसका नाम है, और ये जाके यहाँ पे कोरंगी में बे ऑफ बंगाल को मिल गई। दूसरी रिवर वशिष्ठा, ये यहाँ तक आई और उसकी फिर से दो ट्रिब्यूटरी बन गई। अंतर्वेदी में जाकर ये मिलेगी बे ऑफ बंगाल को। हम अंतर्वेदी जाकर यहाँ खड़े होके रिवर और समुद्र का संगम देखने वाले हैं। ये हम कब जाएंगे? कल ही जाएंगे, कल जाएंगे, दैट्स राइट। तो कल हम अंतर्वेदी जाएंगे और आपको ये दिखाएंगे, यहाँ से वशिष्ठा गोदावरी बे ऑफ बंगाल को मिल रही है। और ये तो वो बात हो गई। तो यहाँ पर हमने तीन जगह देख लिया, रिवर मीट्स द सी, एक, दो, और तीसरा ये रहा। यानी दो हम फिजिकली विजिट करेंगे और ये वाला, तो ये वाला नहीं करेंगे। इसका नाम है वाइनत, क्या बोलते हैं, वाइनतयम, वाइनतयम, सही है। अच्छा ये भी देख लो, कोलेरू लेक बर्ड साइटिंग के लिए बहुत प्यारी जगह है। मुझे सब्सक्राइबर्स ने बोला था आप यहाँ पे जाओ, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। सर, आर्थर कॉटन की लाइफ के क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1803 में उनका बर्थ हुआ, ही लिव्ड फॉर 96 ईयर्स। कावेरी डेल्टा में इन्होंने काम किया और हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में है कि 1821 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ। और अभी क्योंकि हम गोदावरी बैराज के पास ही खड़े हुए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, वर्क ऑन दौलेस्वरम एनीकट वॉज कम्प्लीटेड, यानी ये वाला जो बैराज है 1852 में कम्प्लीट हुआ। और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उसके बारे में लिखा, इवेंट बैक टू इंग्लैंड। इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इरिगेशन पर बहुत ज्यादा काम किया। जहां जहां गोदावरी के पानी को रोका जा सकता और किसानों को बाद में दिया जा सकता था, तो वो जो उनके क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स वहां पढ़ के भी समझ सकते हैं और यहां पर भी हम पढ़ के समझ सकते हैं। जब दौलेस्वरम में डैम बन रहा था ना, तो तब की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसको देख के समझ आ जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हुई। सही है। अभी हम म्यूजियम के अंदर से ना बाहर की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ना गोदावरी का पूरा रूट मैप सामने बनाया हुआ है। सामने जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ से गोदावरी रिवर चलती है। ये 1440 किलोमीटर का पूरा एरिया है, मेरे को 1460-1470 मालूम था। तो ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएंगे गोदावरी किस रूट से चल रही है, कहाँ पर गोदावरी को दूसरी नदी आके मिल रही है और वो गोदावरी बन रही है। अब यहाँ पर इस जगह ये पूरा एरिया बे ऑफ बंगाल है और गोदावरी की चार बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो नदियाँ बहुत सारी हैं जो गोदावरी को मिलती हैं, लेकिन जो चार बड़ी हैं वो है मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। इंद्रावती नदी हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी थी, वहाँ एक बड़ा सा वाटरफॉल है ना, इंद्रावती नदी बनाती थी। हम छत्तीसगढ़ गए थे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। मेरे को बड़ा मज़ा आता है वो संगम पॉइंट देखना, रिवर का कॉन्फ्लुएंस देखने में। अब प्राणहिता और गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस से तो हम बहुत ज़्यादा दूर हैं अभी, लेकिन आगे चलकर ना मैं जब अपने टूर प्लान बनाया करूँगा तो कोशिश करा करूँगा कि ऐसे जर्नी प्लान करूँ कि रिवर कॉन्फ्लुएंस के आगे से मैं निकलूँ। ये जनरल सर आर्थर कॉटन का सामने स्टैचू है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ सर आर्थर कॉटन के बारे में। गोदावरी में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो लोग हैं ना, सर आर्थर कॉटन को भगवान मानते हैं। उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है? एक तो उन्होंने पूरा जीवन रिवर सिस्टम पर लगा दिया किसानों को मदद करने में कि उनको पानी पूरा साल मिले, और इसकी वजह से आज इरिगेशन में किसानों को मदद मिलती है, क्रॉप रोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं।
अच्छा रहा गोपी जी, थैंक यू, धन्यवाद। हैं तो आपने, बड़ा कम आता था आपको हिंदी, लेकिन फिर भी हमें एक्सप्लेन कर ही दिया। आइए अब हम एक काम करते हैं, 5-10 मिनट बैराज के पास चलते हैं, आपको बैराज दिखाते हैं, फिर आगे कोशिश करेंगे कि हम नर्सरी विजिट करें। वो नर्सरी का क्या नाम है? कड़ियम। कड़ियम नर्सरी, ठीक है। आइए जी, थैंक यू। सर, आर्थर कॉटन म्यूजियम से 2 मिनट हम रास्ता तय करके ब्रिज के ऊपर चढ़े, मुश्किल से 200-250 मीटर ही डिस्टेंस है यहाँ से, और हम पहुँच गए बैराज। काफ़ी देर से हम बैराज की बात कर रहे थे ना, ये बैराज है टोटल। तो आप व्यूज़ देख लीजिए यहाँ से कैसे आ रहे हैं। पंद्रह से 20 मिनट का सफ़र करके हम कड़ियम गांव आए हैं। रास्ते में हमने बहुत सारी नर्सरीज देखी, रोड पर एक के बाद एक नर्सरी देख रहे थे। करते करते थोड़ा अंदर की तरफ आके अभी हम ना श्री सत्यदेव नर्सरी तक पहुंच चुके हैं, सामने नाम भी लिखा हुआ है ना। अब यहाँ मैं नर्सरी विजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर 5 या 10 या 20 नर्सरीज नहीं हैं। अगर एक ओवरऑल बात करें इस पूरे एरिया में कितनी नर्सरीज होंगी, तो अंदाज में 600 से 800। आज तक मैंने कोई हिंदुस्तान में ऐसा एरिया नहीं सुना जहाँ पर, एरिया की बात हो रही है, 600 से 800 नर्सरीज हों। अब हमारे सामने ही देखो ये प्लांट रेडी हो गए हैं, ये जा रहे हैं, और सप्लाई यहाँ से केवल सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं होती, पूरी साउथ इंडिया में प्लांट से सप्लाई होती है। मतलब सीड रेडी हुआ, थोड़ा सीडलिंग बनाते हैं, उसके बाद आगे सप्लाई करते हैं। तो हमारे साथ इस समय यहाँ के ओनर हैं। हेलो, योर गुड नेम इज? सत्यनारायण। आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, ग्रेट। इनको हिंदी आता है? आपको अच्छे से हिंदी आता है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हमारा फादर है हिंदी। तो यहाँ से आप बोल रहे हो कि जो प्लांट्स हैं ये पूरे इंडिया में सप्लाई होता है? थ्रूआउट इंडिया से, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला। अच्छा, बताओ, मुझे लग रहा था केवल साउथ इंडिया में सप्लाई है। श्रीनगर है? श्रीनगर तक जाता है? श्रीनगर है, श्रीनगर, वो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, दिल्ली। इतना काम है यहाँ? रांची, झारखंड का। झारखंड का? अच्छा, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ऑल ओवर इंडिया सर। अच्छा, हमारा ग्रैंड फादर पुल्ला वेंकटराव से स्टार्टेड बाय हाफ एकर से जी, थोड़ा 90 एकर से। 90 एकर में ओन है और 100 एकर लीज में। लीज में 190 एकर से टोटल। तो बहुत बड़ा होता है 190 एकर्स। नमस्कार जी, पैसे फादर ये था। नमस्ते सर। सत्यनारायण सेकंड सन। अच्छा, थर्ड का मैं पुल्ला आंजनेयन सर, ये सर लिखा। बहुत बढ़िया, मेरा फादर है। तो सर, हम आपको हिंदी आता है ना? थोड़ा आता है। फैंटास्टिक। तो सर, एक चीज बताइए, जैसे अभी हम कड़ियम में हैं, यहाँ पर नर्सरीज की जो स्टार्टिंग हुई, पहली बार किसी ने आया या 5-10-15 लोगों ने नर्सरीज ओपन करी, तो कितनी पुरानी बात है ये? 50 इयर्स 70 इयर्स 70-80 इयर्स पहले स्टार्ट किया। एंजॉय के लिए कुछ मैंगो प्लांट्स बनाया, बाद में जिंदने के लिए आदत हो गया। आदत होने के बाद इधर से आंध्र प्रदेश पूरा सप्लाई कर रहे, बाद में महाराष्ट्र गया, बाद में गुजरात गया, बाद में राजस्थान गया, ऐसा वैसे ऑल इंडिया को सप्लाई करने का आदत हो गया 50 साल से। आदत हो गया 50 साल से ऑल इंडिया को सप्लाई करने। सो नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी नर्सरी विजिट करना चाहते हैं एटलीस्ट। तो अगर आपके पास समय तो आप चल भी है, जैसे अभी हिंदी अच्छी बोल लेते हो, हिंदी तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, छोटा सा 5-7 मिनट्स का, तो आप चल सकते हैं साथ में? हाँ, साथ में चल। ठीक है, तो हम आपको वापस मिलते हैं। तो अभी आप हमें कुछ प्लांट्स दिखा रहे हो, तो ये मल्टी कलर कलर जो इतने फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये क्या है? मल्टी कलर बोगनविला सर, एक ही पौधा में 4-5 कलर्स आते हैं सर। अच्छा, तो हम थाईलैंड से इधर इम्पोर्टेड आए सर, हम थाईलैंड से, चाइना से और स्पेन से भी इधर पौधा आता है सर। अच्छा, बोगनविला सब थाईलैंड से आता है सर, और अदर वेराइटीज स्पेन से आता है सर। इसका नाम दोबारा बताओ। बोगनविला मल्टी कलर। बोगनविला मल्टी कलर। मल्टी कलर, ये अल्केशिया ब्लैक सर।
एलकेशिया ग्रीन सर, इसका लीफ एलिफेंट लीफ का जैसा आता है सर, एलिफेंट का लीफ रहता है ना, उसका जैसा रहता है सर। अच्छा, वो पूरा एलकेशिया ब्लैक। तो आपके यहाँ पे कितनी वैरायटी होगी अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो? काउंट करने जाए तो कम से कम 1000 का ऊपर रहता है सर। अच्छा, वैरायटी सर तो 4000 वैरायटी सर। तो 4000 में से आपको कितने के नाम याद है? सबका नाम है सर, वो देखेगा तो नाम याद आ जाएगा। तो सामने अगर प्लांट होगा तो आप नाम बोल दो? हाँ, नाम बोल देंगे। 4000? हाँ, 4000 वैरायटी से। नहीं बट नाम याद होना भी बड़ी बात है, कोई छोटी बात थोड़ी सर, छोटी बात थोड़ी है। तो उसका नाम आ जाएगा, हमका अपना आदत हो गया ना सर। 4000 बहुत बड़ा नंबर होता है। दिस वाज द लैंडस्केपिंग वैरायटी अरेलिया नोडा डॉर्फ, जो लैंडस्केपिंग बॉर्डर में है ना, अच्छे वैरायटी है। बॉर्डर में लगाते सर दिस वन सर, हम संक्रांति के लिए लगाए सर, ऐसे 25000 पेड़ को ऐसे बॉर्डर करके लगाए सर, 25000 छोटा वाला पेड़। ये 25000 है टोटल? 25000 सर जी। ओह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। 25000 सर, प्लांट्स सर, स्मॉल प्लांट्स सर। अनदर वैरायटीज सो 6 वैरायटीज। ओए होए होए होए, 6 वैरायटीज में 25000 ऐसे लगाए सर। बड़ा प्यारा काम किया आपने। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर नर्सरी होने से एक तो ऑब्वियसली बिजनेस है, दूसरा बात है एम्प्लॉयमेंट भी। ऑलमोस्ट 30,000 लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है और 20,000 से 25,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सोचो 50,000 से 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नर्सरी होने की वजह से मिल रहा है। ये मल्टी कलर वाला प्लांट की क्या कॉस्ट है? स्टार्टिंग है ना 2500। अच्छा, हाईएस्ट है ना 2 लाख मल्टी कलर में। मल्टी कलर तो रेट में इतना वेरिएशन क्यों है? ये बड़ा प्लांट है ना। अच्छा, थाईलैंड से इंपोर्टेड है सर। ये लकी फाइव का सर, ये 5-स्टार होटल में और एयरपोर्ट में बड़ा बड़ा होटल्स में लगाते हैं सर। तो इसकी आपने कॉस्ट क्या बताई? 4 लाख रुपये सर। 4 लाख रुपीज़? 4 लाख रुपीज़। बड़ी कॉस्ट होती है, बढ़ेगा। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, समथिंग वेरी डिफरेंट। ये आसानी से देखने को नहीं मिलता इस तरह का प्लांट, रेयर है एकदम। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग को चलना चाहिए, नहीं तो सनसेट के बाद ही पहुंचेंगे हम। ठीक है, थैंक यू अगेन, वंस अगेन थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, ऑर्गेनिक सर। अच्छा अच्छा सर, टेस्ट अच्छे सर। चलो सही है, पूरा स्वीट ईस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी फेमस है, फेमस। अच्छा, हैदराबाद नहीं, ये हम खा लेंगे। सही है, बेस्ट है, थैंक यू सो मच। पुष्कर घाट पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया, हम यहाँ पहुंचे हैं 5:25 पे, 5:50 के आसपास तो पूरा अंधेरा हो जाता है। फिलहाल पहले आप घाट देख लो, फिर बताता हूँ आगे का कहानी। ये घाट साइड है, ठीक है। सुबह भी हम यहाँ पर आए थे, तब तो धूप थी ना, अभी कितना अच्छा लग रहा है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर ना, तो मुझे लग रहा है एक तो ऑब्वियसली वो एंजॉय कर रहे हैं इसलिए घाट साइड बैठे हैं। सेकंड एक बात और भी है कि कुछ टाइम बाद ना यहाँ आरती होएगी, ऐसा हमें किसी ने बताया। गोदावरी माता की आरती करते हैं यहाँ पर, और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये बोट यहाँ आएगी, फिर हम यहाँ से जाएंगे। जब मैं यहाँ पहुँचा था ना उसके 1 मिनट पहले ही बोट निकली है, तो अभी 5-7 मिनट में आएगी, फिर हम लोग 15 मिनट का बोट राउंड करेंगे। अगर हम यहाँ पर 4:45 या 5 बजे तक भी आ जाते ना तो ये एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त हो जाता। आप सोचो ना, इमेजिन करो कि आप इस जगह नदी के बीच में हो और वहाँ बैकड्रॉप रेल ब्रिज का जो आ रहा है, कितनी अच्छी फोटोग्राफ बन सकती है और कितना अच्छा व्यू पॉइंट भी है। ठीक है, 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे। अभी जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस जगह, सब ये जाने वाले हैं। ये लोग 70 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेते हैं, 70। मैं आपको सही में बताऊं, आज का जो बोट राइड का एक्सपीरियंस था ना, जो हमने ले लिया, लेकिन अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा पहले आ जाते तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती, और वैसे भी लाइफ टाइम मेमोरी बनी है। लेकिन 45 मिनट्स पहले क्या हम विजुअल्स देखते, क्या फ़ोटोएँ लेते, क्या वीडियो बनाते, वो बात अलग होती।
यहाँ पर आके ना मेरे को इतना रियलाइज हो गया कि बोट राइड करना एक कंपलसरी एक्टिविटी होनी चाहिए टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 70 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5:15 तक बोटिंग होती है यहाँ पर, 15 मिनट का बोटिंग है ये। अब यहाँ पर देखिए गोदावरी माता की आरती होती है। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा घाट किनारे 10-15 मिनट टहल लेते हैं, फिर हम वहाँ पर बैठ के आरती देखेंगे। आइए जी। श्री वीर वेंकट सत्य नारायण स्वामी वारी देवस्थान अन्नवरम वारी आध्वर्यमुलो देवातीरे ततः क्रिया वरणं जाह्नवी तटे दानं दद्यात् कुरुक्षेत्रे गौतम्यां कृतयं वरं कुरु। अभी हमने यहाँ पे गोदावरी माता की आरती देखी, घाट किनारे बैठकर आरती देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं समझ कुछ नहीं पा रहा था वो आरती कैसे गा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, मन को सुकून पहुँच रहा था, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। अब देखिए 7 बजने में 5 मिनट का टाइम है, तो लगभग ये 25 मिनट की आरती डेली बेसिस पे यहाँ पर होती है। 6:30-6:25 के आसपास स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अभी भी लोग यहाँ घाट किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि शाम का समय कैसा है कि सामने से जो हवा आ रही है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर भी सही है और ठंडी हवा है, तो इसीलिए लोग घाट किनारे अभी भी बैठे हैं और आई एम श्योर 8-10 बजे तक लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर घाट किनारे बैठ के। मुझे लग रहा था पुष्कर घाट जंक्शन पे जो बीच में फाउंटेन लगा है ना, ये चल रहा होगा, सुबह के समय नहीं चल रहा था, अभी शाम को भी नहीं चल रहा, लेकिन सामने जो शिवलिंग है ना उसके ऊपर फाउंटेन चारों तरफ से इस समय शाम के टाइम चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सुबह जब मैं यहाँ पर आया था तब थोड़ा शांति थी, अब चहल पहल है, मार्केट पूरी चल रही है। आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आंध्र प्रदेश की सीरीज़ आप इंजॉय कर रहे हो, और आज का एपिसोड के बारे में बताइए कमेंट करके आपका ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कल मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी निकलें और कल का नाइट स्टे हम डिंडी में करें, ऐसा हमारा कल का प्लान है। राइट, अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम।